हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय एकेडमिक पॉइंट। अभी तक मैंने आप लोगों को आर्टिकल्स का भी सिखाया शॉर्ट वे में, मॉडल से इन्फिनिटिव और जेरंड का भी मैंने आपको हिंदी में शॉर्ट पे सिखाया। अब वर्ब में किस तरह यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, V1 V2 वो देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन टू द वर्ब्स, वर्ब क्या है? क्रिया। ओके, हिंदी में हम उसको बोलते हैं क्रिया। अब इसमें चार वाक्य मीन्स वर्ब क्या है, मीन्स एक्शन हम जो करते हैं। अभी टीच, स्टडी, ईट, डांस, ऐसे सब वर्ब होते हैं, उसको वर्ड को वर्ब्स बोलते हैं। सभी इसमें चार तरीके के वर्ब्स होते हैं, फॉर्म्स, और जो हम बोलते हैं फॉर्म्स। ओके, तो इसमें V1 यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म, V2 यानी पास्ट फॉर्म, V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, और हम दूसरा सीखेंगे V+1 ING, V1+ING जो ऐड होते हैं उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल करें। ओके, आज मैं आप लोगों को सिर्फ ये तीन अभी मैं सिखाऊंगी, और उसके बाद ऐड ING कब यूज करना है वर्ब के साथ और किस तरह के उसमें भी कोई तरीका है वो आप लोगों को मैं समझा के देना चाहती हूँ। अभी ये फॉर्म्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशंस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशंस। अब इसका मीनिंग क्या होता है? कॉन्जुगेशंस का मीनिंग होता है गिविंग द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, गिविंग द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ओके दोस्तों, पूरी तरह वीडियो अच्छे से देखना, सिर्फ देखते ही मत रहना, आपके माइंड पे नहीं रहेगा, आप बुक और पेन भी साथ में रखना, और ये जो भी मैं बोल के दे रही हूँ आपको शॉर्ट में लिख लेना। खुद की नोट्स सबसे बेस्ट है, वीडियो देख के आप खुद की नोट्स बना के खुद के एग्जाम्पल से समझ के करोगे तो ही ग्रामर आपको समझ में आएगा। ग्रामर कोई टफ नहीं है, हमें लॉन्ग एंसर्स, शॉर्ट एंसर्स सब पढ़ते हैं, गिव रीजन होते हैं, साइंटिफिक रीजन्स होते हैं, मेथड, ये एक्सपेरिमेंट, हमें जो मेथड प्रोसीजर वो सब बहुत सारे तरीके सीखने होते हैं। लेकिन ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लर्न बाय हार्ट नहीं कर सकते, हमें समझना चाहिए। सो कुछ से ही हम ये समझेंगे तभी हम ग्रामर में अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और हमें अच्छी से इंग्लिश स्पीकिंग भी आ सकते हैं। हम जैसे इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो ग्रामेटिकल मिसेस होता है, हमें डर लगता है कोई हमें चिढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, नहीं मुझे इंग्लिश ही बोलना है। नो फ्रेंड्स, गर्स रखो, जहाँ भी गलती होते हैं भले लोग चिढ़ाएंगे, भले लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आप ऐसे ही इम्प्रूवमेंट हका होगा आगे बढ़ेंगे। एक कहावत है, हर बार हमें कोई टोकते हैं, रोकते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, उसी में हम मोटिवेट होते हैं और उसी से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई हमें टोकते हैं, सपोज स्कूल टीचर्स ने बोले तू बहुत अच्छा नहीं है, तू बहुत खराब लड़का है, बहुत मस्ती कर रहा है, तू पढ़ता नहीं है, तू फेल होता है, ये सब बोलने से क्या होता है, हमें पहले डर लगता है यानी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, हम करके दिखाना चाहिए। वो टीचर की जो बातें हैं वो गलत होनी चाहिए। ओके, हम उस आगे बढ़ के टीचर को दिखाना चाहिए कि नहीं हमें भी सहायता है। ओके, सो ये फॉर्म बहुत ही यूजफुल है, और एकेडमिक वाइज नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो देते हैं, ओलंपियड एग्जाम्स है स्कूल पे, जो फिर ओलंपियड एग्जाम्स है, कोई बड़े लोग बैंक एग्जाम्स देते हैं, क्लब के एग्जाम्स देते हैं, बैंक के एग्जाम्स देते हैं, रेलवे के एग्जाम देते हैं, सीटेट के एग्जाम, टीचर्सों की भी एग्जाम्स होती है, सिर्फ स्टूडेंट्स की एग्जाम्स नहीं होते हैं, टीचर्स के भी एग्जाम्स होते हैं। ओके, ये सब हमें अभी इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी, सिखाऊंगी, तो प्लीज़ आप पूरा तर वीडियो देखना, बीच तक मत करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल पे, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए, व्यूज़ भी बढ़ता बढ़ेंगे तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। और आप लोगों को कोई क्वेरीज हो, डाउट हो, तो भी आप मुझे कमेंट में सेंड कर सकते हैं, या तो मेरा व्हाट्सअप नंबर, आईडी नंबर, मेल आईडी, फेसबुक का जो भी है, आप कहीं भी सब जगह पे, मैं इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे, सब जगह मेरा आईडी है, आप उसमें दिखाई देगा, आप उसमें मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को ये सिखाया वर्ब्स क्या, अभी कॉन्जुगेशन क्या, डिफरेंट वेज अभी करना है, तो मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ तीन फॉर्म्स अभी मैं सिखाऊंगी, V1, V2 और V3। इसमें भी हम कई गलतियां करते हैं, सपोज अभी पे आया है तो पे का पास्ट टेंस पूछे तो हम क्या लिखते हैं, पे का पास्ट टेंस पी है, वाई, तो हम इससे वाई सही है दोस्तों, नो ये गलत है, पे का पास्ट टेंस होता है वी फॉर्म पेड। ओके, सपोज अभी ब्रेक दिया है
तो हमने इसका कुछ और लिखा है ब्रेकन, नो ये गलत होता है, इसका पास्ट टेंस क्या होता है ब्रोक। तो ये तरीका मैं आप लोगों को कई इजी तरीके से सिखाऊंगी कि आप ये सब किस तरह लर्न कर सकते। सो मैं पहले तीन कॉलम बनाऊंगी और तीन कॉलम के बाद आपको सिखाऊंगी V1 यानी प्रेजेंट, अभी जो होता है V2 पास्ट और V3 पास्ट पार्टिसिपेंट। ओके, ये चीजें मैं सिखाऊंगी। पहले जो वर्ब सेम ही होना चाहिए, जो वर्ब सेम होता है, सेम वर्ब होना चाहिए तीनों फॉर्म पे। सेम मीन थ्री फॉर्म्स यानी V1 V2 और V3 सेम ही होना चाहिए। सो वैसे वर्ड्स हम निकालेंगे, कौन सा है कट, कॉस्ट, शर्ट, फिर कौन सा वर्ड है पुट, हिट। ऐसे कई एग्जांपल्स जो है ये सेम, अभी कॉस्ट कट का V2 क्या होगा कट, V3 भी कट, कॉस्ट V2 में कॉस्ट, V3 में भी कॉस्ट, शर्ट V1 V2 में भी शर्ट, V3 में भी शर्ट। देखो दोस्तों, पहले मैंने आप लोगों को सिखाया फर्स्ट फॉर्म सेम ही होना चाहिए तीनों फॉर्म्स में। एक ही वर्ब V1 में जो होता है वो सेम टू सेम V2 और V3 में ऐड किया है। ओके दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया। अभी मैं आप लोगों को सेकेंड तरीका सिखाना चाहती हूँ और वो सेकेंड फॉर्म ये है जहाँ हमें वर्ब के साथ V1 के साथ सिर्फ क्या ऐड करना है, V1 के साथ प्लस ED ऐड करना है। क्या ऐड करना है ED। सब उसके एग्जाम्पल मैंने दिया है आज। ओके, फिर दूसरा वर्ड बोला आप लोग जल्दी जल्दी, कौन से वर्ड से पहले अटेंड, आस्क, अटेंड, फिर वॉच, फिर सेकेंड वर्ड कौन सा है जंप नॉक। ये सब वर्ड्स में हमें सिर्फ क्या ऐड करना है आस्क्ड, अटेंडेड। ओके, V2 V3 में सेम आएगा, सिर्फ हमें वर्ब के साथ ED ऐड करना है दोनों फॉर्म पे। ओके, V1 का जो है उसमें V2 और V3 में सिर्फ प्लस ED ऐड करना है। वॉच्ड, वॉच, जंप दिया है। सेकंड बस मैं आप लोगों को थोड़ा ये दे देती हूँ, आप लोग ये होमवर्क में प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों, आप लोग लिख लो फटाफट। ये सब वर्ड्स आपको करना है ड्राउन, फॉलो, हैंग, लाफ, इनवाइट, नॉक, देखो कितने सारे वर्ड्स है, ओपे, प्रे, प्रू, स्पॉइल, ट्रैवल, लव, बेस। देखो ये सब वर्ड्स के साथ सिर्फ आप लोगों को ED ऐड करना है। आप लोग नोट डाउन कर दिया होगा, एक बार मैं बता देती हूँ, जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमने तीनों वर्ब एक जैसा होना चाहिए, कोई भी डिफरेंट नहीं है तीनों में, जैसे कि हिट, कॉस्ट, शर्ट, पुट, सभी में एक जैसा ही जाएगा V1 V2 V3। सेकेंड रूल्स मैंने आप लोगों को सिखाया जहाँ V1 होगा उसके साथ ED ऐड करो V2 और V3 में। सो दोनों में ऐड हो गया, ये सब वर्ड्स पे ED ऐड होगा। ओके, जंप, नॉक, बैग, बोरो, डांस, हाँ, सेकंड वॉच, ओके, प्रे, प्रू, स्पॉइल, ट्रैवल, लव, वेस्ट, ड्रॉन, फॉलो, हैंग, लाफ, इनवाइट, नॉक, और भी हो सकता है वो मैं आप लोगों को इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर ज्यादा भी होगा तो मैं आप लोगों को वो डाल दूंगी ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, ये सेकंड रूल्स भी हमने पढ़ लिया दोस्तों। अभी तीसरा रूल्स क्या है, जहाँ वाई होगा और हमें सिर्फ वाई को निकाल के आईईडी ऐड करना है। क्या ऐड करना है आईईडी, अभी वर्ब के एंडिंग में एंड में वाई दिया है, उसको वाई को कैंसिल करो और ऐड करो आईईडी। ओके, अभी इसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, अप्लाई, कैरी, रिप्लाई, ट्राई, क्राई, स्टडी, ये सब वर्ड्स है। ओके, ये सब वर्ड्स अभी अप्लाई है तो मैंने क्या बोला, एंड जो वाई दिया हुआ है और वाई को कैंसिल करो और V2 V3 में क्या लिखोगे अप्लाई, वाई को कैंसिल करके आईडी ऐड करना है। V2 V3 फॉर्म सेम रहेगा, जहाँ V1 में वाई हो तो उसको कैंसिल करके आईईडी। अभी कैरी रिप्लाई तो आप कर सकते हो, होमवर्क में ट्राई है तो TRIED, ट्राइड, ट्राइड। सो दोस्तों देखो कितना इजी तरीका से मैंने आप लोगों को ये भी समझा दिया। ओके, बाकी का आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो ग्रामर में, जितना आप प्रैक्टिस करोगे एक्सरसाइज उतना ही आपका नॉलेज ग्रामर के लिए बढ़ता जाएगा। ओके, अभी हम आपको दूसरा तरीके सिखाने वाले हैं, फोर्थ वन। थ्री रूल्स मैंने सिखा दिया है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया है ना। अब फोर्थ रूल्स क्या है, फोर्थ रूल जहां पे एंड कोई भी वर्ड हो फोर्थ में V2
और वी थ्री में लास्ट ऐड करना है टी, वी टू और वी थ्री में टी ऐड करना है, जैसे कि वर्ड्स बिल्ट हो, फिर फील हो, लीव हो, लर्न हो, कीप, और जैसे कि एग्जाम्पल बाकी का मैं दूंगी अभी, बिल्ट हो, जहां डी दिया है तो हम उसको कैंसिल करके बी यू आई एल टी लास्ट वर्ड हमको एक कॉन्सोनेंस या एक कुछ भी हम कैंसिल करके हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लीव का लेफ्ट लेफ्ट, फील का फेल्ट फेल्ट, सिर्फ देखो यहाँ पे एक वोवल साउंड कर कैंसिल कर दिया है और फेल्ट कर दिया, लर्न एन को कैंसिल करके सॉरी ऐड कर दिया टी, लंच यहाँ पे वोवल्स दो है तो एक कैंसिल करके कैट कैट, सपोज अभी बर्न दिया है सो बर्न को क्या करेंगे बर्न बर्न, ऐसे ही कई एग्जाम्पल और भी मैं आपको दूंगी, जैसे कि बेंड ब्लेंड लॉस मीट, अभी सपोज मीट हो तो क्या करेंगे मैट मैट आएगा, ओके कीप कैट, जहां दो वोवल सेम होता है वहां पे एक वोवल्स को ही रखना है, दूसरे को कैंसिल करके उसमें टी ऐड करना है, ओके दोस्तों वीप स्वीप स्पैन द लास्ट वर्ड डी हो तो उसको कैंसिल करके ये कर दो शॉर्ट सेंड, अभी शॉर्ट का क्या आएगा शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, ओके इसमें शूट होता शॉर्ट शॉर्ट, ओके ये वर्ड्स ऐसा आ गया दोस्तों। तो मैंने देखो आपको फोर रूल्स बता दिया है वर्ब किस तरह हमें कॉन्जुगेट करना है, ओके वी वन वी टू वी थ्री का, अभी इसके बाद अभी नेक्स्ट रूल्स होगा जहां हमें पूरा सिर्फ ये वाई पे है, अभी वाई जो मैंने बोला है पे वाई एस पे और से पे, सपोज अभी दूसरा एक एग्जाम्पल है पे और से दिया है उसमें क्या करेंगे वाई को कैंसिल करके आई डी ऐड करेंगे पे से, इधर कई फ्रेंड्स कई फ्रेंड्स मिस्टेक करते हैं, जहां मैं पढ़ाती थी स्कूल में वहां पे स्टूडेंट्स क्या करते थे पे का अगर दिया है मैं अगर पूछ लिया वी टू वी थ्री फॉर्म्स क्या है तो वो लोग पी ए आई डी की जगह क्या लिखते थे पी ए वाई ई डी, ये वाई ई के वजह से उनका आंसर रॉन्ग हो जाता था, ग्रामर में आप लोगों को पता है स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़ा भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं तो वन मार्क कट हो जाते हैं, अगर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाए आधा मार्क्स कट हो जाते हैं, फर्स्ट सेंटेंस बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस कैपिटल नहीं लिखा तो आपके आधे मार्क्स कट हो जाते, ग्रामर के हिंदी में भी ऐसे ही होते मात्रा इस मिस्टेक्स होते तो आपके मार्क्स कट होते क्योंकि वो नेशनल लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश ये सब मेन लैंग्वेज है, तो यहाँ पे आपका एक एक छोटी सी भी मिस्टेक्स के लिए भी मार्क्स कट हो जाते हैं। सो दोस्तों ये ध्यान रखना पी ए वाई और एस ए वाई जब दे तो आई डी ऐड करने का वाई को कैंसिल करके, ओके तो मैंने आप लोगों को फाइव रूल्स का इसमें बता दिया है, अभी कोई ऐसा वर्ड्स है जो आप लोगों को फिफ्थ सिक्स वाला जो सिंपल है कोई वर्ड्स बाइट बाइट हाइड लाइड, ओके ऐसे सब वर्ड्स है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी पड़ेगा, अभी बाइट बाइट का क्या करेंगे बीट बीटन दोनों फॉर्म्स डिफरेंट हो गया, ओके अगर मैंने यहाँ पे मेक लिखा है मेक मेल मेल अंडरस्टूड फ्रेंड्स, मेक का ब्लो दिया है सो आप क्या करोगे ब्लू ब्लॉन्ड, हाइड का मैंने आपको बताया बिकम बिकम क्या करोगे became and become, ओके पवित्री बिकम होगा, अब नेक्स्ट होगा आप लोगों का ब्रेक, मैंने आप लोगों को बताया ब्रेक जब होता है सो फर्स्ट आपने ऐसे नहीं लिखते ब्रेक या ब्रेक है नो ये दोनों गलत है, आपको क्या लिखना है इसमें ब्रोक ब्रोकन, ओके दोस्तों राइट राइट का क्या है राइट
रोल रिटन. कितना इजी तरीके से ये कर सकते हैं. कैचा कॉच कॉट, बाइका बॉट बॉच, प्रिंका ब्रॉड ब्रॉड. फिर दूसरा है कम. अभी कम हो तो क्या लिखेंगे, केम कम. डू है तो क्या करेंगे, डू है तो डिड डन. अब सपोज मैंने गो दिया है तो वेंट गॉन. ओके फ्रेंड्स, इस तरह के वर्ड्स हम कैरियर कर सकते हैं. अब ड्राइव दिया है, ड्राइव दिया तो क्या करेंगे, ड्रॉप ड्राइवर. ड्रिंक हो तो ड्रैंक ड्रग. रिंग हो तो रैंक रग. समझ में आ गए दोस्तों ये सब चीजें, ये मैंने आप लोगों को बताया. अभी राइस हो तो रोज रोजन, रोजन नहीं राइस. मैं भी वही सोचे थे आप लोग कुछ बोल रहे हो कि नहीं. राइस रोज राइस. ओके, अभी दूसरा वर्ड ईट. ईटन तो नहीं, ईटे नहीं बोल सकते, ईटे भी नहीं. ईटन तो आएगा जब पास्ट पार्टिसिपल होगा, यहाँ पे एट और ईटन. ओके, सो ऐसे सब चीजें हैं, हम आपको दिखा दिया है, समझा दिया है कि सारा वर्ब्स का निकालना है V1, V2 और V3 फॉर्म्स. ओके, ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया है. मैं कोई वर्ड्स आप लोगों को होमवर्क में दूंगी, वो इसमें ही होगा, डिस्क्रिप्शन में, वो आप ट्राई कीजिएगा. अभी मैं नेक्स्ट मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ कब हम ऐड कर सकते हैं ing, ऐड ing. अभी सपोज यहाँ पे मैंने राइट लिखा है, राइट का क्या आएगा, राइटिंग. इसमें डबल टी नहीं आएगा, सिर्फ ई कैंसिल करके ing कर ले. जो वर्ड है गेट, गेटिंग, getting, गेटिंग. लाफ हो तो लाफ के साथ हमें ing ऐड करना है, लाफिंग. ओके, सिट हो तो सिटिंग. डांस दिया है तो dance, तो e को कैंसिल करके ing dancing. apply, y को कैंसिल करके apply. ing, apply. ओके, ऐसे सब वर्ड्स हम कर सकते हैं. जैसे कि सपोज अभी हमने लिखा है ये reply. reply क्या है, reply, ing add करना है. ओके दोस्तों, ये तो भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है. और लॉस्ट, लॉस्ट में किस तरह आएगा, टी को कैंसिल करके लूजिंग. कॉस्टिंग, COST, कॉस्टिंग. अभी लाइट है तो लाइका, LYNG लाइंग. DIE का DYING डाई. ओके, ये सब चीजें मैंने आप लोगों का दिया. मैं चार फॉर्म सिखा दिया है और चार फॉर्म किस तरह आपको इजी वे से समझा दिया है. सो दोस्तों, आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेना और समझ लेना. और इस तरह होमवर्क्स में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में से वर्ड्स डाल के दे दूंगी, आप लोग वो प्रैक्टिस कर लेना. इफ यू लाइक माई वीडियो देन क्लिक द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोज. एंड इवन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू सी द नेक्स्ट अपडेट्स. ओके, थैंक यू.